तो प्रमुख रूप से ये मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ये घटना हुई थी अत्यंत ही जघन्य और ख़राब थी। इसको लेकर के इस तरह के जितने भी अपराधी चिन्हित रहते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसी क्रम में हमने जो इसके चिन्हित अपराधी हैं उनका जो भी संपत्तियाँ हैं कल उसमें उनको चिन्हित किया था। ये भी देखा गया कि निर्माण अवैध भी है और लगभग 4,500 स्क्वायर फीट में निर्मित है। आज हमारी पूरी पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मिलकर के हम इसको ध्वस्त करेंगे। बड़ा स्पष्ट इससे मैसेज भी जाता है कि अगर कोई इस तरह का अपराध करने का प्रयास करता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसी विषय में जो अन्य अपराधी हैं उनके भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और सभी के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जब तक इन सब के विरुद्ध चाहे इनके संपत्तियों की हो चाहे न्यायिक कार्रवाई पूर्ण न हो जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे इसमें। थैंक यू सर। पीड़ित परिवार के लिए कुछ योजनाएं अभी जारी हो गई हैं? पीड़ित परिवार के लिए कल शासन के निर्देशानुसार मैंने एक आदेश जारी किया था जिसमें 41,25,000 रुपये की उनको सहायता दी गई है। एक परिवार में जो एक भाई बहन हैं उनके हम ज्वाइंट खाते में वो राशि डालेंगे। दूसरा जो परिवार है उनके अलग से नाम है। तो आदेश ऑलरेडी जारी हो चुका है, मेरे समझ से मैं मीडिया के साथियों को शेयर भी कर दूंगा। शासन ने उसमें कल ही निर्देश जारी कर दिया था। गवर्नमेंट नौकरी की भी मांग की जा रही थी तो निश्चित तौर पे जैसा पहले कहा कि शासन ने ये कहा कि इनको जो पीड़ित परिवार है उनको हर संभव मदद की जाएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जैसे मैंने बताया कि 41,50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। सर क्या पूरा मुकदमा हाईट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा? निश्चित तौर पर उसमें ऑलरेडी मेरे समय से एसपी साहब और उसको स्पष्ट करके बताएंगे। ऑलरेडी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जिला स्तर से लोकल स्तर से और शासन स्तर से सभी प्रयासरत हैं कि इसमें शीघ्र ही सजा मिले और जिससे कि लोगों में ये विश्वास हो कि इस तरह का घटना करने से कोई बच के नहीं जा सकता।